हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या राठौर और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं NCERT 2005 की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि CTET में NCERT जो आता है वो 5 मार्क्स का आता है और इसमें मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो CTET में आ सकते हैं वही मैंने रखे हैं, जिससे कि आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो को मैं आप लोगों से थोड़ा प्रेशर देकर बोल रही हूँ कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से और पूरा देखें, जिससे कि आपके 5 नंबर पक्के हो जाएं। क्यों? क्योंकि CTET में NCERT 5 नंबर का ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने मेरे वीडियो को अभी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक कर कर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? जो विद्यालय शिक्षा दी जाती है उसमें जो सबसे ज़्यादा न्यूएस्ट कौन सा दस्तावेज है, तो वो है NCERT 2005। सबसे ज़्यादा नवीनतम कौन सा राष्ट्रीय दस्तावेज है, वो है NCERT 2005। अब सेकंड क्वेश्चन है, किस मंत्रालय की पहल पर NCERT 2005 तैयार किया गया था? ऐसा कौन सा मंत्रालय था जिसने कहा था कि NCERT 2005 को तैयार करो? तो वो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन सा था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD मिनिस्टर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCERT 2005 को तैयार किया? उस वक्त अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में 2005 NCERT 2005 को तैयार किया था? तो वो किसकी अध्यक्षता में किया था? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में NCERT को तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, NCERT 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? इसमें जो स्लोगन दिया गया था वो क्या था? तो इसमें जो स्लोगन था वो दिया गया था लर्निंग विदाउट वर्डन, मतलब बच्चों पर भार नहीं डालना है, बच्चों को फ्री होके सीखने देना है, बच्चों को करके सीखने देना है। तो इसका जो मुख्य सूत्र था वो क्या था? बिना भार के अधिगम या बिना भार के शिक्षा या फिर लर्निंग विदाउट वर्डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, NCERT 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस नवीन से हुआ था? अब इसमें दो क्वेश्चंस हैं। एक तो है कि NCERT 2005 प्रारंभ किसके निबंध पर हुआ था, तो वो किसके निबंध पर हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध पर हुआ था। और उस निबंध का नाम क्या था? तो उस निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। किसके निबंध से लिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया था। और उस निबंध का नाम क्या था? उस निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, NCERT 2005 में किस पर बल दिया गया है? इस पर कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था? तो इसमें फोकस किया गया था शांति के लिए शिक्षा। किस पर फोकस किया गया था? शांति के लिए शिक्षा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, NCERT 2005 में क्या बताया गया है? NCERT जो 2005 है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बताया गया है? तो इसमें बताया गया था सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। मतलब जो हम सपनों में सोचते हैं, मतलब लोग सोचते हैं कि इस तरह से हम बच्चों को एजुकेशन दिलाएंगे और इस तरह से कम बोझ होगा बच्चों पर, बुक्स कम होंगी और उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, उनका जो स्कॉलेस्टिक और कोस्कोलेस्टिक जो है उनका वो सारे पक्ष मजबूत होंगे, मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। बच्चों का ये नहीं है कि बच्चे रटेंगे किसी चीज़ को, नहीं, बच्चे क्या करेंगे उन चीज़ों को समझेंगे और अच्छे से अपने बिहेवियर में उतारेंगे। तो क्या इसका में क्या बताया गया था? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, NCERT 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है? जो NCERT 2005 का अध्याय दिया गया है, अध्याय का नाम क्या है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में ऐसी कौन सी चीज को बताया गया है? तो वातावरण के भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं ये बताया गया है। कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो किस तरह से बच्चे की अधिगम को प्रभावित करता है ये बताया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? जो करिकुलम शब्द है वो कौन सी भाषा से निकल कर आया है? तो जो करिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा से निकल कर आया है। कौन सी भाषा से करिकुलम शब्द निकल कर आया है? लैटिन भाषा से निकल कर
आया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बना। जो सामाजिक अध्ययन है शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बना था, वो कब बना था 2005 में बना था। कब बना था 2005 में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। मतलब सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से जो मुद्दे थे उन्हें शामिल किया जाना चाहिए था, तो उसमें सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। मतलब जो कोई किसी भी स्तर का बच्चा हो, ये नहीं है कि अगर पिछड़ा बच्चा, मतलब जो पिछड़े बालक हैं उन्हें शिक्षा अच्छे से नहीं दी जाएगी, या जो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें शिक्षा दी जाएगी, नहीं। सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर क्या दिया गया था, जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी, तो वो कहाँ आयोजित की गई थी, एनसीईआरटी नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित की गई थी, एनसीईआरटी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यशपाल शर्मा की समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो समिति बैठी थी उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें 38 सदस्य थे। कितने मेंबर्स थे, 38, 38 कुल सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 14 है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है, हमें पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों करना पड़ता है, करिकुलम क्यों डिसाइड करना पड़ता है। तो हमें करिकुलम इसलिए डिसाइड करना पड़ता है जिससे कि हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें, हम ये देख सकें कि हमें कहाँ तक, अगर मान लीजिए हमने कोई प्लान बनाया, ठीक है, तो हमें उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसके उद्देश्य रखने पड़ते हैं कि हाँ हमें इतना करना है, उसके बाद में ही कुछ हो पाएगा। तो पाठ्यक्रम की निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है, जिससे कि हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीएफ 2005 का फॉर्मूला है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या था, त्रिभाषाई फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था, त्रिभाषाई फॉर्मूला। एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला कौन सा, त्रिभाषाई फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा कौन सी है। मतलब इसमें अभी मैंने आपको बताया कि त्रिभाषीय सूत्र, मतलब तीन भाषाओं का सूत्र था, तो इसमें ये पूछ रहा है प्रथम भाषा कौन सी थी, द्वितीय भाषा कौन सी थी और तृतीय भाषा कौन सी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम भाषा थी हमारी हिंदी। कौन सी थी प्रथम भाषा, हिंदी, जिसे हिंदी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय और राज्य भाषा भी कहते हैं। प्रथम भाषा कौन सी थी, हिंदी, इसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा और राज्य की भाषा। द्वितीय भाषा है हमारी अंग्रेजी। कौन सी है, अंग्रेजी, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिस अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और तृतीय भाषा कौन सी थी, स्थानीय भाषा। मतलब मान लीजिए सबसे पहले बच्चों को हिंदी आनी चाहिए और फिर क्या आनी चाहिए, इंग्लिश। तृतीय भाषा में थी स्थानीय भाषा, कि जहाँ का बच्चा है, जैसे मान लीजिए बच्चा पंजाब का है तो पंजाबी होनी चाहिए, तमिल का तमिल में रहता है तमिल भाषा आनी चाहिए। ये तीन भाषा थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। सूचना जो इन्फॉर्मेशन है उसे हमें क्या नहीं मानना चाहिए, ज्ञान। मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो ज्ञान नहीं हो सकता है। इन्फॉर्मेशन अलग होती है और नॉलेज अलग होती है। तो किसको क्या मानने से रोका जाए, सुझाव दिया गया कि सूचना को हमें क्या मानने से बचना है, ज्ञान मानने से बचना है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम अधिकतम प्रयोग को सुझाव दिया गया था। मतलब जो एनसीएफ 2005 आया था उसमें किन सूत्रों को अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मतलब कि बच्चे को जो पता है वहाँ से बताइए। जैसे मान लीजिए बच्चा फर्स्ट क्लास में आया है तो वो जो यूकेजी में सीख कर आया है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो बच्चे को वहीं से सिखाना है, ए से लेकर सिखाना है और फिर वहाँ तक ले जाना है जो उसे नहीं आता है। मूर्त से अमूर्त की ओर होता है कि बच्चे मूर्त मतलब उसे दिखाकर, जैसे उसे पहले एप्पल दिखाया, फिर उसकी नज़रों से एप्पल को हटा लिया, फिर उसे चीज़ों को आगे सिखाया। तो कौन से सूत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धार्थ में निहितार्थ है,
मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी चीज़ें हैं जो मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित हैं, शामिल हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, मतलब इसमें ये चीज़ें हमें करनी है कि बच्चों को केवल स्कूल में ही शिक्षा नहीं देनी है, हमें क्या करना है, बच्चों की एजुकेशन को उनकी रियल लाइफ से जोड़ना है, जिससे कि अगर हम बच्चों को एडिशन सिखा रहे हैं तो बच्चा घर पे आके उन चीज़ों को क्या कर सके। जैसे मान लीजिए वो मार्केट में कुछ लेने जा रहा है, तो वो उन जो उसने एडिशन सीखा है उसे वो अपनी रियल लाइफ में ऐड कर सके, अपने स्कूल के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ सके। इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब एनसीएफ 2005 में ये कहा गया है कि बच्चे गलतियां करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों करें गलतियां? तो मतलब ये गलतियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो ये बताया गया था ये समाधान को पहचानने में सहायता करती है। ये क्या करती है, बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ गलती की है और कहाँ उनकी गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। शिक्षा बिना बोझ के, क्या सूत्र था शिक्षा बिना बोझ के, या फिर लर्निंग विदाउट बर्डन, या फिर लर्निंग विदाउट, मतलब इस तरह से जो भी था, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, इसका अर्थ क्या होता है। मतलब जो दिया गया है लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका मतलब अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, मतलब हमें ये नहीं कर देना है, करिकुलम एकदम बच्चे पर थोप नहीं देना है कि तुम्हें इतनी सारी बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। नहीं, बच्चे को जितना भी सिखाएं उससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके, वो उससे सारी चीज़ों को समझ सके बच्चा कि हाँ ये चीज़ें यहाँ से की गई हैं, ये चीज़ें यहाँ से की गई हैं, जो बच्चे को बोझ ना लगे, बच्चे अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ और अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। मतलब जो प्राथमिक स्तर होते हैं, मतलब जो बच्चे फर्स्ट टू फिफ्थ के होते हैं, तो उनके गणित की शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चों को हमने एडिशन सिखाया, तो बच्चों को कुछ मनी दे दी जाए जिससे कि वो बच्चे उसे ऐड कर सकें और क्या कर सकें। स्कूल में वर्कशॉप लगाई जाए, कुछ जैसे मान लीजिए खिलौने वगैरह के लिए लगा दिया गया, उन्हें ऐड की मतलब बच्चों को सिखाया जाए, फिर जब बच्चे दूसरी शॉप्स लगी हुई हैं वहाँ से किसी भी चीज़ को परचेज करेंगे, तो वो जब वो जोड़ एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, आप स्कूल में जो बच्चे ने टॉपिक सीखा है उसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे सीख सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर का गणित का शिक्षा केंद्र क्या होना चाहिए, कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या आशय है, तो मतलब जो गणित की लंबी लंबी आकृतियाँ होती हैं उन पर क्या हो, उनका मतलब क्या है। उनका मतलब है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, मतलब बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसके बाद उसे बच्चे को दूसरा हमें क्या सिखाना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, मतलब जो एनसीएफ सिखाता है बच्चों से, कहता है कि तुम ये चीज़ सीखो, तो उसका मतलब क्या है, सीखने का मतलब क्या है। तो सीखने का मतलब है मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान, मतलब बच्चे को हर क्षेत्र में उसे ज्ञान प्राप्त करवाना है, उसे रटवाना नहीं है, हमें क्या करना है, उसे हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करवाना है जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, एनसीएफ 2005 में परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। ऐसे कौन से सुझाव थे जो 2005 में परीक्षा के संबंध में दिए गए थे। कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, मतलब अगर परीक्षा उन पर परीक्षा का जोर नहीं होना चाहिए, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, जिससे कि बच्चे क्या होते हैं, प्रेशर की वजह से डर जाते हैं और अपना उनके जो अंदर
मतलब जो हिम्मत होती है और जो उनके अंदर नॉलेज होती है उस नॉलेज को निकाल कर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है। हम ही लोग मान लीजिए, अगर हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का अगर प्रेशर होता है तो हम वो चीज़ नहीं सीख पाते हैं। इसलिए बच्चों को फ्री कर देना है, जिससे कि वो जितना ज़्यादा हो सके वो अपनी करके सीखेंगे, खोज करके सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, NCF 2005 किस पर बल देता है? अभी अभी मैंने बताया करके सीखने पर, मतलब बच्चा खुद करेगा तब वो चीज़ों को सीख सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्वेश्चन नंबर कहता है, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? मतलब जो कला शिक्षा है उसे विद्यालय में क्यों जोड़ना है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। जिससे कि इसमें मतलब कला को क्यों महत्वपूर्ण दिया गया था, क्यों महत्व दिया गया था, क्योंकि जो पुराने ज़माने से जो सांस्कृतिक विरासत में जो चीज़ें चली आ रही थी उनसे बच्चे अवगत रह सकें और छात्रों का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और मेंटल डेवलपमेंट है वो चीज़ें विकसित हो सके, उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको महत्व तो दिया गया है? मतलब जो NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम है शीर्षक के अंतर्गत किसको महत्व तो दिया गया है? तो किसको महत्व तो दिया गया है? बालकों के संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार। मतलब जो बच्चों ने अपने अनुभव इकट्ठे किए हैं, बच्चों ने जो सीखा है उन अनुभवों को निकालने के लिए बताया गया है और उनके पाठ्यक्रम में क्या करना है, सुधार करना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को NCF के 28 क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चंस आपके सीटेट में फंस जाएंगे, ठीक है? तो आपने इस वीडियो को, मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी मतलब फीडबैक देना है तो आप कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।